इसको हमने इवेल्युएट करना है, तो वी हैव लिमिट ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अच्छा जी, इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक हम प्लस करेंगे और एक माइनस भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, तो एक हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ इजाफा नहीं किया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए पावर एक्स माइनस वन, इसको अलग कर लेंगे, ये इसको अलग कर लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया प्लस माइनस वन, नीचे है हमारे पास एक्स। अब ये इसके नीचे भी, इसके नीचे भी है, इसी तरह लिमिट भी दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए एक्स माइनस वन, ये भी साथ, दरमियान में माइनस अलामत, फिर ये जो लिमिट है और एक्स है इसके साथ भी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पर जो बेस है ए। तो ये थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ या एल एन ऑफ ए, यहाँ पर एल एन ऑफ, एल एन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ये बेस है थ्री। हमारे पास लॉग का एक रूल है कि अगर दो रकम हो एक्स वाई, तो इसका अगर दो रकमें हो उस तरह एक्स अपॉन वाई, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। तो एल एच एस आर एच एस बराबर है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक है। तो लॉग जब आप कॉमन लेंगे, यहाँ से लॉग कॉमन लेंगे तो ये न्यूमेरेटर बनेगा, ये जो माइनस वाली है जिसके साथ माइनस, ये नीचे आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, आंसर बन गया 10। हमारे पास क्या आ गया, 10 लिमिट ऑफ एक्स थ्री एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये इसकी वैल्यू ये चीज़ है। सवाल को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और क्लास फेलोज के साथ शेयर भी कीजिए, और इसको कोशिश करें ऑनलाइन देख ले, जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको एक मरतबा पहले देख ले, फिर उसका आप ख़ुद प्रैक्टिस कर ले, इसका सलूशन देख ले कि वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वेयर पावर थ्री एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स। अब आप क्या करेंगे, ये जो न्यूमेरेटर है डिनोमेटर है, इसको आप डिवाइड करोगे एक्स पर, इसको यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए हम ये काम करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक्स पर डिवाइड करेंगे और इसको भी आप एक्स पर डिवाइड करेंगे, मेन डिवीजन ये है, तो यहाँ से क्या होगा, ये एक्स कैसे कट गया, यानी डिवाइड न्यूमेरेटर इन डिनोमिनेटर बाय एक्स, तो ये हम कर सकते हैं, मैथमेटिकली हमने कोई रूल वायलेशन नहीं किया। बाकी क्या बचा, वन माइनस एक्स स्क्वायर फिर पावर थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर ये लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे, चले इसके साथ भी लिख लिया हमने लिमिट को, और नीचे भी इसको आप लिख सकते हैं सर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये अब ये जो है, ये हम जानते हैं ये किसके बराबर है, ये वन के बराबर है। अच्छा, ऊपर को आप ये करेंगे कि लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, वो इस तरह के ये वन आ गया, इसका आप लिख लिया इस तरह माइनस एक्स। अब यहाँ पर पावर को हम इसी तरह बनाएंगे, वो किस तरह के वन अपॉन एक्स स्क्वायर को यही रखेंगे, ठीक है। और ये वाले चलो इसको मैं दरमियानी ब्रैकेट में लिख लूँ, ये इस तरह वन अपॉन एक्स लिखा। अब बाकी जो टोटल पावर है, टोटल पावर जो पावर है क्या बचा, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री यहाँ लिखेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसको हम क्यों इस तरह कर रहे हैं, देखिए हमारे पास रूल है, एक तो रूल यहाँ पर कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स ये वन के बराबर है। दूसरा यहाँ पर हम किसको अप्लाई करेंगे, इसको कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स ये बराबर होता है ई नेचुरल लॉग ऑफ बेस ऑफ नेचुरल लॉग ई वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए ये क्या कह रहा है, वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स जो कुछ यहाँ पर है यहाँ पर उसका उलट होना चाहिए, वो दरमियान प्लस। तो इस वजह से इस पावर को इसकी शक्ल में तब्दील करने के लिए ताकि इस फॉर्मेट चेंज हो जाए, यहाँ पर हमने क्या किया थ्री को बाहर निकाला लेकिन फिर भी ये इस फॉर्मेट में नहीं, यहाँ पर देखिए माइनस है तो इसको भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर हम अब माइनस लगाएंगे यहाँ पर। फिर ये साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स ये इसके मुताबिक क्या आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अच्छा फिर ये जो है इसको ज़रा हम तरतीब देंगे कि चल इसको अब इस तरह करते ये ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ पर लिख लीजिए, देख अब ये जो है यहाँ से तक ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है कि वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स, ये कि वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स जस्ट लाइक दैट। तो इसके मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई की पावर माइनस वन अपॉन थ्री, ये नीचे वन है ये वन भी ख़त्म हो गया सारा क्योंकि इसकी जगह वन आ गया। अब ये माइनस वन अपॉन थ्री आप याद रख ले भी सही है लेकिन अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन थ्री, ये हमारा आंसर आ गया। यानी ये जो लिमिट है दस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी आ गई। आई होप समझ में आ गया सवाल, इस सवाल का आप देख लें डायरेक्ट अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन हो जाएगा, कोसाइन ऑफ वन कोसाइन ऑफ ज़ीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो आ गया इसका जवाब, और साइन ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो है तो ज़ीरो बाई ज़ीरो आ जाएगा इसका जवाब अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस वजह से यहाँ पर हम कोई ऑपरेशन इस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक ऑपरेशन कर लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कोसाइन ऑफ एक्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। अब देख ले कि एज वी नो दैट के कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है वन के, यहाँ से अगर आप साइन की वैल्यू निकालें साइन स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है वन माइनस को साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़। और अगर आप इसको इस तरह लिख लें वन माइनस को साइन स्क्वायर एक्स तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं वन ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला ये। तो इस वजह से साइन एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कोसाइन, नीचे आ जाएगा इसकी जगह ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये वैल्यू, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर वन प्लस कोसाइन एक्स इंटू वन माइनस कोसाइन एक्स। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ये दोनों आपस में कट जाएगा, बाकी क्या बचा वन अपॉन यहाँ पर चूंकि वन बच गया तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन प्लस कोसाइन ऑफ एक्स। अब आप यहाँ पर
अप्लाई लिमिट्स, बाय अप्लाइंग लिमिट्स, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 कोसाइन ऑफ, जब आप लिमिट अप्लाई करते हो एक्स की वैल्यू जो कुछ यहाँ पर दिया गया हो उसको यहाँ पर पुट करेंगे 0। एंड नाउ वी नो दैट कि कोसाइन 0 किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो इस वजह से ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो 10 हमारी क्या आ गई, 1/2, 10 हमारी जो लिमिट है इसकी वैल्यू, इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोसाइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये बराबर है 1/2 की, ये हमारा आंसर।